अगर गाइस 10-10 रुपया भी अगर आप लोग शेयर कर देंगे ना, तो इसके लिए गाइस बहुत ही बड़ा अमाउंट है। कनव वो सिर्फ 9 महीने का है, और जिस दिन वो हमारे घर पे पैदा हुआ था ना, हमें कभी नहीं पता था कि उस बच्चे की लाइफ की इतनी बड़ी कीमत है। बहुत से लोगों ने हमें ये बोला कि 17.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सबके डोनेशन के साथ जो ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग 1 रुपए का भी दान कर रहे हैं। कुछ लोग मजदूर हैं जिन्होंने हमें 10 रुपए दिए, कुछ लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने हमें 200 रुपए दिए हैं। यकीन मानिए आपके ये सब मैसेजेस हमारी हिम्मत को और बढ़ा रहे हैं। आपके द्वारा दिया हुआ हर डोनेशन हमारे कनव को उसके इलाज के और नजदीक ले जाएगा। आप प्लीज डोनेट कीजिए, और अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो हमारा ये कैंपेन वायरल करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप कनव इन प्रेयर्स। सेव कनव। एक सेकंड सिर्फ लेना चाहूंगा। एक कनव है बच्चा, 10-11 महीने का बच्चा है, जो अभी मस्कुलर स्पाइनर एथेरेपी टाइप 1 से जूझ रहा है। 17.5 करोड़ का कुछ इंजेक्शन है। 140 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, और पता नहीं दुनिया में कितने। 1-1 हजार भी डालेंगे तो 2 लाख लोग भी नहीं, उसमें उसका 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लग जाएगा। तो हो सके तो वो कनव की जरूर मदद करिएगा, वो हो सकता है भारत का कभी फ्यूचर बने। थैंक यू। उनके माता पिता का नाम और एड्रेस, जिसके जरिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो एक बच्चे की जान बच सकती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल भाई याद दिलाने के लिए। ये मेरा 9 महीने का बेटा कनव है, और मेरा नाम अमित है, मेरी वाइफ का नाम गरिमा है। इसको एक जेनेटिक डिजीज है जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं, SMA के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस डिजीज में धीरे धीरे मसल डाई करती हैं, बच्चा जो है ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रह पाता है। डॉक्टरों ने जो हमें बताया है, इसके इलाज सिर्फ एक ही दवाई से संभव है, जिसका नाम जोलजेंसमा करके है। इस दवाई की कॉस्ट जो है 17.5 करोड़ रुपए है आज की डेट में, और मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण हम ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों के पास आए हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपका थोड़ा सा दान हमारे बच्चे की जान बचा सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, बट हाँ, आप एक वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। आपके एक शेयर से हो सकता है वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो डोनेट कर सकते हैं। आपकी छोटी से छोटी मदद ना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। और डोनेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल है स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दूंगा, आपको दिख भी रही होंगी। मैं अपनी ओर से जितना हो सकता है उतना डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग भी केपेबल हैं डोनेट करने के लिए, तो प्लीज डोनेट कीजिए। छोटा छोटा अमाउंट से ही इस बच्चे का इलाज हो सकता है, जो कि 1750 करोड़ रुपया चाहिए। और 1750 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। और गाइज, अगर आप लोग केपेबल भी नहीं भी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा के पास जाए वीडियो। और गाइज, वो लोग जो केपेबल हैं इस वीडियो को देखकर वो डोनेट कर सकें। और बाकी गाइज, आप लोगों को डोनेशन का जो भी है डिटेल्स मैं लिंक में डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज, जितना भी है सब डिटेल आप लोग जा करके वहाँ से डोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू। और मेरा गाइज फाइनली रिक्वेस्ट है कि डोनेट कीजिए। थैंक यू।